गाय नमस्तुभ्यम। तो गाइज मैं हूँ अनुपमा, स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अनुपमा लाइफस्टाइल में। तो गाइज मैं आज लेके आई हूँ संतान प्राप्ति का उपाय। जब आपके संतान नहीं हो रहे हैं, आप बहुत परेशान हो गए हैं और बहुत जगह जा चुके हैं, डॉक्टर से इलाज करा चुके हैं, एकदम थक गए हैं, हार गए हैं, तो आपको ये उपाय करनी है। लास्ट आप क्या ही कर सकते हो, आप उपाय करके देखो। आपके घर में जरूर संतान होगा, और संतान उसको जिसके आपकी एक संतान हो चुका है और ये दूसरी संतान का उपाय है। परेशान हो चुके हैं, आपके दूसरी संतान नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है। जैसे कि क्या होता है ना कि बहुत लोग एक संतान हो जाता है और फिर गैपिंग, लोग सोचते हैं चलो कुछ दिन के बाद करेंगे, और इसी चक्कर में फिर दूसरा संतान नहीं होता है। और 5 साल, 7 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल तक लोग मतलब वेट करते हैं कि मेरा दूसरा संतान हो जाए, क्योंकि दूसरा संतान की बहुत लोगों की चाह रहती है कि एक नहीं दो बच्चे रखते हैं। कहा जाता है पहले कि हमारी माताएं, हमारी दादी, हमारी नानी सब लोग कहते थे कि एक नहीं दो बच्चे रखना चाहिए। तो आज भी बहुत लोग अभी भी मतलब वही सोचे, बहुत लोग दो बच्चे रखते हैं, लेकिन बहुत लोग एक बच्चे रखते हैं। या दूसरी बच्चे की अगर चाहत है तो आप ये उपाय करिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जा चुके हो, इलाज करा चुके हो, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि नहीं अब नहीं होगा, तो आप ये एक बार उपाय करके देखिए। ये शिव महापुराण का उपाय है और ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है ये उपाय। बेलपत्री का ये उपाय है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे का उपाय, जो आप एक बार करके देखो। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके दूसरे बच्चे नहीं हो रहे थे लेकिन उनके दूसरे बच्चे हो गए ये उपाय करने से। तो आपको भी अगर दूसरे बच्चे की चाह है, दूसरी संतान की चाह है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है कि आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है। बेलपत्री का पेड़ गुरुजी हमारे कहते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, मैं उनकी कथा सुनती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। आप नहीं सुन रहे हो तो आप लोग भी सुनो और बहुत चीज सीखने को मिलेगा। तो मैं उन्हीं का ये जानकारी लेके आई हूँ, उन्हीं का ये उपाय है और ये शिव महापुराण का उपाय है। तो मैं आपको ये जानकारी दूं कि अगर आपका दूसरा संतान नहीं हो रहा है तो ये उपाय कर सकते हैं। और बहुत लोगों ने ऐसा ट्राई किया है और बहुत लोगों के साथ हुआ है कि अगर ये उपाय किया है तो उनका दूसरा संतान तुरंत ये उपाय करने के अंदर ही, पूरा उपाय कंप्लीट भी नहीं हुआ है, उसके अंदर ही हुआ, वो गर्भवती हो गई है और उनको दूसरा संतान भी प्राप्त हुआ है। तो इसलिए मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ। अगर आप भी चाह रहे हैं दूसरा संतान तो ये आप उपाय कर सकते हैं। ये उपाय में कुछ नहीं करना है, आपको करना है कि आपको किसी भी सोमवार को, जैसे कि शिव शंभु का दिन सोमवार होता है, बहुत ही शुभ होता है, और बेलपत्री के दिन अगर आप अगर दीपक नहीं जला रहे, नहीं लगाते हो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार को, तो लगाना स्टार्ट कर दो, बहुत ही शुभ होता है। और ये सब चीजों के लिए तो थोड़ा बहुत करना भी पड़ता है कि थोड़ा सा मेहनत करो तभी तो आपको फल मिलेगा। तो भगवान के लिए आप कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यही करना है कि आपको बेलपत्री का पेड़ के नीचे, तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं क्या मेरे घर में बेलपत्री है तो क्या मैं ये उपाय घर पे भी कर सकती हूँ। तो जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि नहीं, आप अगर बहुत बड़ा पेड़ है जिसका छांव एकदम जैसे पेड़ के नीचे आप बैठते हो उसका छांव आपको लग रहा है, तो उसके नीचे अगर ये उपाय करते हो ना तो आपको एकदम बहुत जल्दी आपको फल की प्राप्ति होगी। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है और वहां आसपास कहीं बहुत बड़ा पेड़ है तो वहां पर अगर उपाय कर सकते हो तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके आसपास कोई पेड़ नहीं है तो आप घर पे भी ये उपाय कर सकते हो, लेकिन ज्यादा आप कोशिश करो कि बहुत बड़ा पेड़ हो उसके नीचे ही ये उपाय करें। तो आपको पेड़ के नीचे चले जाना है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों लोग मतलब कर सकते हैं तो करें, नहीं तो आप अकेले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाइए, वह सोमवार का दिन हो और आपको जैसे कि मॉर्निंग में पूजा पाठ करते हो वैसे ही जाना है। कोई भी अगर उपाय करते हैं तो खाली पेट मतलब करें, बिना कुछ खाए पिए तो ज्यादा ही मतलब सही रहता है। तो आप वैसे ही करना, अपना जाना और देखना कि बहुत बड़ा कहीं पेड़ हो मतलब छाव उसका, वहां पे ये उपाय करें तो ज्यादा सही रहेगा। तो आपको क्या करना है, वहां पे जाके जो बेलपत्री के पेड़ रहेगा उसके नीचे जो मिट्टी रहेगी तो वहीं आपको एक कुंड बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, तो आपको पानी ले जाना है, पानी तो ले ही के जाओगे तो वहां पे मिट्टी जो रहेगी तो सूखी रहेगी, तो उसमें थोड़ा सा पानी को डाल दोगे और एक आप कुंड बना लोगे ऐसे गोल टाइप के, जैसे कटोरी टाइप के ऐसे गोल कुंड में, कैसे बताऊं मतलब ऐसे उसमें मिट्टी करके ऐसे चारों तरफ से करके कटोरी जैसा थोड़ा सा गोल करके कुंड बना लोगे और उसमें आपको पानी भरना है। तो अगर उसमें अगर पानी भरते हो तो पानी मुझे लगता है रिस जाएगा या मिट्टी जो रहेगा ना सूख लेगा तो गिरने लगेगा। तो आप क्या करो ना, किसी भी चीज का मतलब कोई पत्ता वगैरह
केले के पत्ते, किसी भी चीज के पत्ते, उसके नीचे आप रख लो, उसके ऊपर वो कुंड बनाओ। अगर उसके ऊपर कुंड बनाते हो ना, और उसमें आप जल भर लो, जल भरना है वहां पे, जल भर के उसमें रखना है, और जो भी उसका मान लो गिरता भी है तो जो पत्ते रहेगा उस पे ही गिरेगा, क्योंकि वो उस जल का आपको आचमन भी करना है। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ कि आप उस एक पत्ता रखो ताकि जो भी कुछ गिरे ना तो उस पे रह जाए, तो जिससे आप आचमन थोड़ा सा कर सकते हो। तो वो करना है, कुंड बना लेना है, उसमें जल भर लेना है, और जल भरने के बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक लंबी बाती का होना चाहिए, क्योंकि हम वंश प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, किसी भी ऐसे चीज के लिए हम लंबी बाती का, जैसे कि देवी माता का या दुर्गा माता की, इसी के लिए माता की, इसी के लिए मैं लंबी बाती का ही दीपक जलाया जाता है। तो वंश प्राप्ति के लिए, जैसे कि आप मां लक्ष्मी की पूजा करोगे दिवाली पे, तो लंबी बाती का ही दीपक जलाया जाता है, गोल बाती का बिल्कुल नहीं, लंबी बाती के। तो वंश प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए लंबी बाती का दीपक जलाना होता है। तो आपको लंबी बाती का दीपक जलाना है, और घी का दीपक होना चाहिए। तो घी का दीपक आप वहां पर जला लो। आप प्रसाद के रूप में आपके पास जो भी घर में मीठा हो आप ले जा सकते हैं, जैसे कि मान लो दूध है तो दूध भी ले जा सकते हैं, दूध का भी वहां पर भोग लगा सकते हैं, कटोरी वगैरह में वहां पर रख के आप भोग लगा दो। या दूध के बने कुछ मेवा हो, खोया हो, या खीर हो, या हलवा आप बना सकते हैं। तो वो, क्योंकि ये जो प्रसाद है ना, आपको रात में सोने के पहले को ग्रहण करना है, मतलब खाना है खा के ही, मतलब खाना है खा के ही फिर साथ में रहना है, मतलब सोना है। तो इसलिए आपको वो प्रसाद ऐसा लेके जाए ना कि फिर दोनों लोग उसको ग्रहण कर सके। तो आप वैसा प्रसाद हो, या दूध ही लेके चले जाओ, गाय का दूध हो तो वो भी लेके जा सकते हैं। तो उसको लेके जाना, वहां भोग लगाना है, उसके बाद आपको शिव शंभू के 11 रुद्र का नाम लेना है। जो शिव शंभू के 11 रुद्र का नाम है उसको आपको नाम लेना है, जैसे कि कपाली पहले, तो उस कपाली नाम से आपको पूजा करना है, कपाली का नाम लेना है। कपाली शिव शंभू का नाम होता है, कपाली दूसरे नाम पिंगल है, ऐसे ही आपको 11 रुद्र का नाम से पूजा करना है। तो सबसे पहले आप कपाली नाम से करोगे, कपाली के नाम से करके, और शिव शंभू का नाम, और प्रार्थना करोगे कि मतलब जो भी आपका ये संतान प्राप्ति का, कि दूसरा संतान प्राप्त हो जाए, और ये करोगे ऐसे ही करके, और अपने गोत्र, अपना नाम, अपने हस्बैंड का नाम वहां पे लेना है और पूजा करना है, और फिर प्रार्थना करके अपने घर आ जाना है। फिर रात्रि के समय वो प्रसाद लेकर रख देना है, रात्रि के सोने के समय आपको अपने और अपने हस्बैंड दोनों लोग को प्रसाद ग्रहण करना, फिर आपको साथ में रहना है। बस इतना ही करना है, 11 सोमवार तक आपको करना है, क्योंकि 11 रुद्र का नाम लेके आपको पूजा करना। पहले दिन कुंड बनाओगे, पहले रुद्र का नाम लेके पूजा करोगे, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे रुद्र का नाम लेके पूजा करो, ऐसे ही 11 रुद्र का नाम लेना है। 11 रुद्र का मैं नाम आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैंने नोट भी किया है, हमको भी ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन पहले रुद्र का नाम होता है कपाली, उससे आप पूजा करोगे। दूसरे रुद्र का नाम होता है पिंगल, पिंगल नाम से आप पूजा करोगे। तीसरे रुद्र का नाम होता है भीम, भीम के नाम से पूजा करोगे। चौथे रुद्र का नाम होता है विरूपाक्ष नाम से पूजा करोगे। फिर पांचवे रुद्र का नाम होता है बिलोहित से आप पूजा करोगे। उसके बाद छठे रुद्र का नाम होता है शास्ता से आप पूजा करोगे। सातवें रुद्र का नाम होता है अजपाद से पूजा करोगे। आठवें रुद्र का नाम होता है अहबर्धुनंद, आठवें रुद्र का नाम होता है अहबुर्धन, और नौवें रुद्र का नाम होता है शंभु, दसवें कर्ण, और ग्यारहवें का नाम होता है भौ। तो इस 11 रुद्र से आपको पूजा करना है 11 सोमवार को, और कुंड बना के उसमें जल भर के, और उसका लास्ट में आपको जब आने लगोगे उसके पहले जो जल उसमें भरो उसका आपको आचमन करना है। आप खुद अकेले जा रहे हो, अकेले पूजा करो, तब आप खुद अकेले भी आचमन कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत, लेकिन जो प्रसाद आप चढ़ाए हैं वो दोनों लोग आप ग्रहण करोगे। तो इतना करना है, तो ये आपको कर लोगे तो अगर आप अच्छे से सच्चे मन से कर रहे हो तो 11 सोमवार आने से पहले आपके गोद भर जाएंगे, आपको खुशखबरी मिलेगी। तो ये करने का यही उपाय है कि अगर आपको दूसरे संतान की प्राप्ति चाहिए तो आप ये उपाय करें। तो चलो गाइस, मेरा ये जानकारी आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ये के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, और बहुत लोगों के साथ शेयर करें, जैसे कि फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, ताकि उनको भी अगर ऐसी जानकारी नहीं है तो उनको भी जानकारी मिले।
तो चलो फिर न्यू जानकारी के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शिव शिवाय, नमस्तुभ्यम।